10 मिनट और पुलिस आपके दरवाजे पर। का राग अल्पाने वाली पुलिस का कारनामा बांसी कोतवाली की डिडई पुलिस चौकी के डिडई ग्राम में नजर आया, जहां 30 वर्षीय महिला को शाम 6 बजे दैनिक क्रिया जाते समय यूपी 100 नंबर पर तैनात सिपाही अचानक पीछे से दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। वही महिला द्वारा अचानक आई आफत से बदहवास होकर चीख पुकार मचाई जाने लगी। पीड़िता की चीख सुनकर जब उसका देवर सिपाही के चंगुल से छुड़ाना चाहा, तब उक्त सिपाही मौका पाकर महिला के देवर कृष्ण चंद्र विश्वकर्मा के हाथ को मरोड़ दिया। बदहवास महिला चौंकती हुई अपने घर के तरफ भागी। स्थानीय लोगों ने सिपाही को पकड़कर पुलिस चौकी सौंप दिया। वहीं कोतवाली बासी में पीड़िता महिला ने अपने परिजनों के साथ तहरीर दे दी है, जिस पर आरोपी सिपाही के खिलाफ धारा 354 ए 323 325 504 506 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पेश है सिद्धार्थ नगर के संवाददाता मोहम्मद अफाकी खास रिपोर्ट। शिकायत प्राप्त हुई है कि 100 नंबर के आरक्षी द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ की गई है और महिला द्वारा शिकायत करने पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिला कांस्टेबल के साथ पटल भी इसी आँख दबात रहा, मुँह नाक खुल दबात रहा। उसके बाद आप क्या की जो आपको दबा रहा था? चिल्लाइले मनाई जुटे नौका दौड़ के काबू से पकड़न इज्जत पे हमला करत रहा। पकड़ने के बाद कहाँ ले गए उसको? उसके बाद पुलिस चौकी ले गए। कौन था ये? आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ है? 100 नंबर वाला पुलिस वाला, उसके बाद में मेरी बीवी बाहर गई थी, उसको पटक के गलत काम किया था। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उसके बाद पकड़ के लेके आया वहाँ से। कहाँ लेके गए उसको पकड़ के? वो चौकी पे। चौकी का क्या रवैया रहा? चौकी पे लेके गए तो साहब ने उसको मार के भगा दिया। और कोई कार्रवाई की नहीं की? हमारा भाभी लगती है। क्या उनके साथ हुआ है? उनको साथ हुआ है, उसके पटके हैं, मैंने घर में उनकी देखा हूँ। उसके बाद में जब देखे तो मैं दौड़ के गया, उसके बाद में तो दौड़ के गए, उसके बाद में वो पकड़े, उसके बाद में मेरा हाथ पकड़ के अड़ दिया, उसके बाद में हाथ चढ़चरा के टूटने लगा और यहाँ से उसके बाद में टूटने फिर उसके भगने लगे। फिर मेरा बड़ा भाई गया था, उसको पकड़ के लेके आया। तो लेके आप कहाँ गए उसको? उसको चौकी।